मदीनी शरीफ में वो कुछ फंस गए लोग, ये पासपोर्ट वाले हुकूमत वाले सऊदी पकड़ चले गए, बंद कर दिया कमरे में, बंद कर दिया। उसमें एक मोहब्बत वाला बैठा था, वो अकीदा रखता था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का। उससे कहा मेरी बात मानो, हम पे मुसीबत आ गई है, पकड़ के रखेंगे, पता नहीं अस्कड़ियों में डालेंगे, कमरों में डालेंगे, जहाज़ों में डालेंगे, पता नहीं क्या हमारा करेंगे। अगर तुम लोग मेरी बात मान लो, कैदियों को कहा, वो सारे पाकिस्तानी थे, तो वजू करके बैठ जाओ, दुरुस्ती पढ़ना शुरू करें, शायद खुदा आसान कर दें। उन्होंने उसकी बात मान ली और दुरुद पढ़ना शुरू कर दिया, रात को सुबह तक दुरुद पढ़ते रहे। तो सुबह को इत्तेफाक से खुदा ने जैसे सबब बनाना था, जो हुकूमत का एक बड़ा आदमी था वो दौरे पे आया हुआ था, तो उस जेल में दौरे उधर भी आ गया। तो उधर देखा ये कौन लोग हैं, कहा ये पाकिस्तानी है, बगैर पासपोर्ट के आ जाते हैं ये बैठे हुए। कहा इन बेचारों से क्या लेना है, कोई रोटी खाते हैं, कोई अपना वसीला कर, छोड़ दो इनको, जाने दो। उन्होंने बात मान ली, जेल वालों ने उसको उनको सबको निकाल दिया। हाँ कैसा सब वो, असल में तो आका ही नहीं भेजा है। ये बातें तो वही जानते हैं जिनको वो बताते हैं, या उनको देखते हैं, या उन पर ऐसे मामले आते हैं। हाँ जी हाँ, असल में आका ने भेजा, मेरा नाम लेते हैं। लेकिन जब बदकिस्मत इंसान हो जाए तो मोहम्मद वसीला नहीं, तो बहुत होगा उनका नाम लेना वसीला, उनका तसव्वुर वसीला, उनका दुरूद पढ़ना वसीला। आदम 300 साल परेशान रहे, अभी जवाब नहीं आया था तौबा का। जब आका का नाम देखा आसमान पे लिखा हुआ आका अल्लाह के नाम के साथ, तो उन्होंने वसीला पकड़ा, से उसका जवाब आ गया, माफ़ी मिल गई फटाफट। और हमारा जितना ये माहौल है ना, ये तरीके तो हमारी बुजुर्गी बुजुर्गी कुछ नहीं है, ये उनके कर्म की नजर हम लोग दुरुशी बहुत पढ़ते हैं, हर वक्त आका के नेम से पढ़ते हैं, अकीदा रखते हैं। उस अकीदे कितनी बरकतें हैं, जो आता है उसको अकीदा दूसरी सिखा देते हैं, हाँ जी उसके भी काम बन जाते हैं, वो भी फिर कहते हैं वाक़ आका एक अजीम है। आगे वो नीयत से पढ़े पढ़ता है, जिस नीयत से पढ़ता है वो तो काम हो रहा है, लेकिन उसकी नीयत सब चीज़ों से हर जितना पड़ जाए, मैं आका से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का दुरूद पढ़ता हूँ, उस पर और बहुत खुल जाए, बहुत मामले खुल जाए। जी हाँ, इसी एक हदीस में कहा कि मिसाल कि मोहब्बत वालों का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। क्या मतलब कि सबका सुनता हूँ, लेकिन वो मोहब्बत से पढ़ते हैं, उनकी तरफ ज्यादा मेरी तवज्जो होती है, क्योंकि लगन है मेरे से। और साथ ये भी कहते, एक दफ़ा फरमाया किसी को, क्या इतना दुरूद पढ़ते हो, हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा दिल खुश होता मुझको याद करते हो। यानी तुम मोहब्बत करते हो, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, खुश होता हूँ कि मुझे याद करते हैं, मेरी ज़रूरत मुझे ऐसे नहीं है। बाकी हमें ज़रूरत है, खुदा करे हमारा दिल लग जाए, दुरूद पढ़ते पढ़ते इश्क का दुरूद पड़े इंशाल्लाह। हाँ जी, कोई ख्याल ना ये हो वो हो, बस मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा इंशाल्लाह।